नमस्कार, आप देख रहे हैं WWE न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मैकडाउन के अगले एपिसोड की अर्ली प्रिडिक्शन के बारे में कि यहां पर हमें कौन सा सरप्राइजिंग मोमेंट देखने को मिलने वाला है। द बीस्ट इनकार्नेट ब्रोक लेसनर और स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर एडम पियर्स के बीच क्या कहानी देखने को मिल सकती है, तो पूरी खबर जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, WWE के सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के बाद स्मैकडाउन का पहला एपिसोड 26 नवंबर को होने वाला है। इस दौरान हमें पोस्ट सर्वाइवर सीरीज स्टोरी लाइन देखने को मिल सकती है, जहां पर कई स्टोरी लाइन पर ब्रेक लगेगा और कई दूसरी स्टोरी लाइन की शुरुआत देखने को मिलेगी। हालांकि अभी तक WWE की तरफ से स्मैकडाउन के इस एपिसोड के लिए कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, यानी कि यहाँ पर हमें कई चीज़ें लास्ट मोमेंट पर फाइनल होती हुई दिखेगी। लेकिन इस दौरान द बीस्ट इनकार्नेट ब्रोक लेसनर और एडम पियर्स के बीच एक सेगमेंट देखने को मिल सकता है। ब्रोक लेसनर इस एपिसोड में नहीं आने वाले हैं, लेकिन वे यहाँ पर सैटेलाइट के जरिए एक सेगमेंट कर सकते हैं और एडम पियर्स को मैसेज दे सकते हैं, क्योंकि इसके अगले स्मैकडाउन के एपिसोड में ब्रोक लेसनर को एडवर्टाइज किया जा रहा है कि वहाँ पर ब्रोक लेसनर एक दर्शक के रूप में आने वाले हैं। इसलिए उस एपिसोड को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर ब्रोक लेसनर का एक सेगमेंट भी देखने को मिल सकता है। सर्वाइवर सीरीज के दौरान WWE की तरफ से ऐसे हिंट मिले थे कि WWE ने ब्रोक लेसनर के ऊपर लगाया गया जुर्माना और सस्पेंशन जल्द ही हटाने वाले हैं। इस बात की झलक सर्वाइवर सीरीज में देखने को मिली जब काइला ब्रेक्सटन ने पॉल हेमन को यह सवाल पूछा कि मैंने सुना है कि ब्रोक पर लगाया गया जुर्माना हटा दिया गया है। यह सुनकर पॉल हेमन काफ़ी झेंप गए और उन्होंने कहा कि आप इस बारे में एडम पियर्स से बात कीजिएगा, वे ही इस बारे में बेहतर बता सकते हैं। तो स्मैकडाउन के इस एपिसोड से एक बार फिर से ब्रोक लेसनर की स्टोरी लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ सकती है। तो गाइज, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ब्रोक लेसनर के रिटर्न के बाद उनकी स्टोरी लाइन किसके साथ शुरू होने वाली है, क्योंकि ब्रोक लेसनर का बीस्ट रूप हमें क्राउन ज्वेल्स के बाद की स्मैकडाउन में देखने को मिला था। ऐसे में सब लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या ब्रोक लेसनर एक बार फिर रोमन रेंज का ही सामना करने वाले हैं, या फिर रॉयल रंबल तक ब्रोक लेसनर की स्टोरी लाइन किसी दूसरे सुपरस्टार के साथ शुरू हो सकती है और रॉयल रंबल में ब्रोक लेसनर एंट्री करके इसको जीत सकते हैं और फिर से रोड टू रेसलमेनिया के जरिए रोमन रेंज के साथ रेसलमेनिया का मेन इवेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके क्या है ओपिनियन कि ब्रोक लेसनर की आगे की स्टोरी लाइन किसके साथ शुरू होने वाली है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।